गोरखनाथ पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने शराब के नशे में युवक को गोली मारने के मामले में फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया है। गौरतलब है कि शराब के नशे में धुत मनबड़ युवक ने शनिवार देर रात दावत के दौरान अपने दोस्त राजन जायसवाल को गोली मारी थी। वहीं वारदात के बाद मौके से आरोपी युवक अपने दोस्त के साथ फरार हो गया था, जबकि जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल राजन जायसवाल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया था। पुलिस ने केस दर्ज करने के साथ वारदात के बाद मौके से फरार आरोपियों की तलाश में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों की शिनाख्त अमित शुक्ला और दिलीप साहनी के तौर पर हुई है। दिलचस्प है कि वारदात में इस्तेमाल लाइसेंसी पिस्टल उसके दोस्त दीपक साहनी की थी, जो BSF में कांस्टेबल है और छुट्टी में घर आया था। वहीं मामले का खुलासा करते हुए CO क्राइम परवीर सिंह ने बताया कि शराब पीने के विवाद में अमित शुक्ला ने अपने दोस्त राजन जायसवाल को गोली मारी थी। CO के मुताबिक राजन जायसवाल अक्सर शराब पीने के बाद अमित शुक्ला की बेइज्जत करता था। इस बात को लेकर काफ़ी दिनों से अमित राजन को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा था। गौरतलब है कि इसी कड़ी में शनिवार की रात को पार्टी के दौरान शराब के नशे में धुत अमित शुक्ला ने अपने दोस्त दीपक साहनी की लाइसेंसी पिस्टल से राजन को गोली मारकर फरार हो गया, जिस पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए असलाह समेत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CO क्राइम व गोरखनाथ परवीर सिंह ने कहा, ये कल रात को रामनगर तिराहे के थोड़ी दूरी पे राजन जायसवाल नाम के व्यक्ति को गोली लगी थी उसके मकान के बाहर। उसी में ये दो गिरफ्तारियां की गई हैं। ये दोनों उसके जानने वाले थे और आपस में वहाँ अरे पार्टी चल रही थी, उसी दौरान अरे पूर्व के अरे विवाद और टसन को लेकर अमित शुक्ला नाम के लड़के ने वहाँ दीपक साहनी जो कि BSF में कांस्टेबल है उसके 32 बोर के लाइसेंसी पिस्टल से हमला कर दिया, जिसमें घायल हुआ। उसे BRD के बाद उसे लखनऊ रेफर किया गया है, जिसमें ये क्राइम ब्रांच और गोरखनाथ की स्थानीय पुलिस ने बहुत ही ठीक त्वरित कार्रवाई करते हुए असलहे की रिकवरी के साथ साथ दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली। बिल्कुल लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट जाएगी, अब इसकी जाँच चल रही है।